A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you mathematics. Now I am going to take up page number 33 of maths book, and our topic is rules for divisibility. आज हम पढ़ेंगे rules पढ़ेंगे divisibility के. चलिए start करते हैं. Here some rules are given which help us to find whether a given number is divisible by another number quickly without indulging in the process of actual division. देखिए हमें क्या है, हमें कुछ rules दिए गए हैं, उसकी help से हम अपने हमारा कितना भी बड़ा कोई भी डिवीज़न हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम कोई भी नंबर हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, कौन सा नंबर उसको किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. ओके, उसमें हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको ये रूल्स सीखने होंगे. चलिए देखते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 डिविजिबिलिटी बाय 12. डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर दीज रूल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 काइंड्स. हम इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से डिविजिबिलिटी ऑफ 12 तक पढ़ेंगे. हम इसमें कितना कहाँ से पढ़ेंगे, 2 के डिविजिबिलिटी से 12 की डिविजिबिलिटी तक पढ़ेंगे. ओके, ये उसके नेचर के अकॉर्डिंग होगा और इसको हमने उसके नेचर के अकॉर्डिंग इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 एंड 10. इसमें हम किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, 2 की, 5 की एंड 10 की. If the divisor is 2, 5 or 10, then we observe the ones digit of the dividend. अगर किसी का divisor 2 है, 5 है और 10 है तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, तो हम हमारे dividend की last जो ones place होती है, ones digit होती है, उसको देखेंगे. ओके, चलिए देखते हैं. पहले देखेंगे हम divisibility by 2, 2 की divisibility चेक करते हैं. A number is divisible by 2 if the digit at its ones place is even, that is 0, 2, 4, 6 or 8. कोई भी number 2 से divide हो सकता है. कब होगा, अगर उसकी ones place की digit क्या है, even है. Even means 0, उसके मतलब जो last digit है number की वो क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8. इनमें से कोई डिजिट है, इट मींस वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. जैसे कि आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, 164, 2580, 32186, 156258. ये सब क्या है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं. क्यों हो सकते हैं, देखिए आप सबकी लास्ट डिजिट देख सकते हैं, सबकी लास्ट जो वंस प्लेस डिजिट है, वंस प्लेस पर है सब, तो सब क्या है, देखिए 4 है, 4 देखिए इसमें है, यहाँ पे देखिए 0, 0 भी है इसमें, ये लास्ट डिजिट 6 है, इसमें 6 भी है लास्ट डिजिट इसमें, और आप देख सकते हैं 8, 8 भी है इसमें. ओके, चलिए अब हम हमारी जो एग्जांपल है उसको हम चेक कर लेते हैं. हम चेक करेंगे 32,186. 32,186 इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से या फिर नहीं, क्योंकि अभी हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं. ये अगर कम्प्लीटली अगर हमारा रिमाइंडर 2 आता है, सॉरी 0 आता है, उसी केस में ऐसा होगा, उसी केस में हमको पता चलेगा कि 2 से ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है. चलिए चेक कर लेते हैं. 2 1 2, ये कितना बचा, 1, फिर यहाँ पर 2 नोट कर लिया. 2 6 12, ये भी यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, 1 नोट किया हमने. अब 1 हम सिंगली नोट तो नहीं कर सकते बिकॉज 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 छोटा है 2 से, तो एक 0 लगाकर हम एक नंबर और नोट करेंगे. ओके, अगर ये डिजिट कम पड़ती है, ये छोटी होती है यहाँ वाली डिजिट हमारे डिवाइजर से, तो हम क्या करते हैं, 0 लगाकर नेक्स्ट डिजिट भी हम यूज़ कर लेते हैं. ओके, तो अब कितना हो जाएगा, 2 9 18. ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या यूज, नेक्स्ट डिजिट क्या लिखेंगे, 6. 2 3 6. देखिए अब आप देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर 0 आया, इट मींस ये नंबर 2 से डिविजिबल है. रिमाइंडर 0 आया, इट मींस 2 से डिविजिबल है. देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये क्या है, डिवाइजर,
और ये क्या है डिविडेंड। अगर डिविडेंड हम इसमें क्या चेक करते हैं, डिविडेंड की जो लास्ट डिजिट है वो 2-4 लास्ट डिजिट अगर 02468 है तो इट मींस वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं लास्ट में ये 6 लिखा हुआ है, हमारे डिविडेंड में 6 लिखा हुआ है, इट मींस ये 2 से डिविजिबल है। इस तरीके से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। ओके, जैसे भी हमने एक नंबर चेक किया है बाकी आप ऐसे चेक कर सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा डिविजिबिलिटी 2 की। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज आइदर 0 or 5। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है अगर उसकी जो लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट है, वो 0 or 5 हो। कब होगा? जब उसकी लास्ट प्लेस डिजिट, लास्ट में जो डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट, अगर वो 0 or 5 होगी, इट मींस वो नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं, 70, 125, 15,67,235, ये सब क्या है लास्ट में आप देख सकते हैं, सबकी लास्ट में 0 or 5 आ रहा है, सबकी वंस प्लेस डिजिट आप देख सकते हैं वंस प्लेस पर 0 or 5 है, इट मींस ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके, चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए हम नंबर लिखते हैं, नंबर कौन सा है, 15,67,235। देखिए इसके लास्ट में 5 आ रहा है, हम क्या चेक करते हैं, डिविडेंड चेक करते हैं, तो डिविडेंड के लास्ट में 5 आ रहा है, तो देखिए हम देखते हैं, वैसे तो हो जाएगा लेकिन आपको मैं एक बार चेक करके बताती हूँ। 5 3 are 15। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे, 6। 5 1 are 5। अब देखिए कितना बचेगा, 1। अब नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे, 7। अब कितने से करेंगे, 5 3 are 15, क्योंकि 5 4 are 20 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 3 are 15। कितना बचेगा, 2, यहाँ पर 0। नेक्स्ट हम क्या नोट करेंगे, 2। अभी कितना हो जाएगा, 5 4 are 20। 5 5 are नोट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यहाँ पर 0। नेक्स्ट नंबर नोट कर लेंगे, 3। ओके, फिर देखते हैं आगे हम, अब कितने से करेंगे, 5 4 again 5 4 are 20। ये 3 नोट करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे, 5। अब कितना हो जाएगा, 5 7 are 35। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इट मींस ये नंबर का ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, आप देख सकते हैं ये 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है नंबर। वैसे ही है, जैसे हमने ये डिजिट ली है, ये नंबर लिया है, वैसे ही कोई भी नंबर जिसकी लास्ट प्लेस डिजिट यहाँ पर वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस डिजिट पर अगर 0 or 5 हो, इट मींस वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। अब हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, 10 की, कि 10 का रूल क्या है। चलिए देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0। कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, बट कब हो सकता है, जब उसकी वंस प्लेस डिजिट 0 हो। कब हो सकता है, जब उसकी वंस प्लेस डिजिट 0 हो, मतलब लास्ट प्लेस पे लास्ट जो डिजिट हो वहाँ पर 0 लिखा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 890 एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, 890 25,630 14,35,700, ये सब क्या है, लास्ट में सबके 0 आ रहा है, वंस प्लेस पर सबके 0 है, इट मींस ये 10 से डिविजिबल है। ओके, चलिए हम चेक कर लेते हैं, 35,700 का डिवाइड हम करेंगे 10 से, आप देख सकते हैं इसमें लास्ट डिजिट 0 है। ओके, चलिए हम ट्राई करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, 10 3 are 30, एंड 3 are कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो देखिए अब इसको हम 35 में से 30 माइनस कर लेंगे, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचेगा। ओके, नेक्स्ट डिजिट क्या नोट करेंगे,
7 नोट कर लेंगे, तो देखिए कितना टाइम्स आप कंप्लीट करेंगे, 10 5 आर 50, यहाँ पर लिख देंगे 50। फिर से देखिए माइनस करेंगे, 7 में से 0 माइनस किया, क्या बचेगा 7, और 5 में से 5 गया 0, नेक्स्ट इज 0, अब क्या हो जाएगा 10 7 आर 70। ओके 70 में से 70 को हमने माइनस किया, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट हम 0 नोट कर लेंगे, 10 जीरोज़ आर 0, क्या रिमाइंडर बचा 0, इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो इट मीन्स जिस भी डिजिट के जो भी हमारा डिविडेंड होगा उसकी लास्ट प्लेस पर अगर 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस रूल को हम एक बार और देखते हैं, 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं। देखिए 2 इसको हम किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर में डिवाइड तभी करेंगे 2 का जब उसकी लास्ट प्लेस डिजिट मतलब वंस प्लेस डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो, जो कि क्या हो 0 2 4 6 8। अगर लास्ट प्लेस पर इनमें से कोई भी डिजिट यूज़ होती है, वहाँ पर लिखी होती है, इट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, हम उसकी वंस प्लेस डिजिट चेक करेंगे। अगर उसकी वंस प्लेस डिजिट 0 या फिर 5 है, इट मीन्स वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। ओके नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट प्लेस डिजिट वंस प्लेस डिजिट क्या होगी 0। अगर किसी भी नंबर की लास्ट प्लेस डिजिट वंस प्लेस डिजिट 0 है, इट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल हो सकता है, 10 से डिवाइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए हम सेकेंड नंबर देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8। अब हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, 4 की और 8 की देखेंगे। इफ़ द डिवाइज़र इज 4 और 8, अगर कोई डिवाइज़र 4 या 8 है, वी ऑब्जर्व द लास्ट 2 और 3 डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड। हम डिविडेंड में कौन सी डिजिट चेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट या फिर लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अगर हमको 4 या 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो हम क्या चेक करेंगे, किसी भी हमारा जो नंबर है डिविडेंड है उसकी लास्ट की 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट्स चेक करेंगे। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक किया था, वंस प्लेस डिजिट चेक की थी। वैसे ही हम 4 और 8 के लिए क्या चेक करेंगे, डिविडेंड की 2 लास्ट की 2 डिजिट या फिर लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करेंगे। ओके चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और द लास्ट 2 डिजिट्स आर जीरोस। देखिए कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब हो सकता है, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं। हमको मतलब पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाती हैं या फिर उसके लास्ट 2 डिजिट में 0 है। ओके लास्ट 2 डिजिट में 0 है या फिर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। ओके चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। 13,616 and 4,25,400, ये सब क्या है, ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं। देखिए लास्ट की डिजिट क्या है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 16 है लास्ट के 2 डिजिट्स, 16 देखिए 4 4 16 होते हैं, इट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है। और देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए 00 है, लास्ट में 0 भी मैंने आपको बोला था कि या तो लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए या फिर लास्ट में 0 हो, तो इन दोनों केस में क्या होगा, वो नंबर कोई भी नंबर अगर इसके अलावा कोई और भी नंबर होगा तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स चलिए हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास देखिए नंबर लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, 4 4 16 होते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट्स हो रही हैं। अब एक बार चेक और कर लेते हैं कि क्या पूरी डिजिट्स हो पाएंगी, चलिए देखते हैं। 4 की टेबल रीड करेंगे, 4 3 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3 12। ओके अब देखिए 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 गया 0, नेक्स्ट है 6 नोट किया, अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 4 16
16, ओके, यहाँ पर क्रॉस, देन दूसरा नंबर, दूसरी डिजिट नोट करेंगे 1. अब देखिए 1 से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 छोटा है 4 से, तो हमको 0 लिख कर नेक्स्ट डिजिट भी नोट करनी होगी. अब देखिए कैसे होगा फिर आगे, 4 4s are 16. अब देखिए 16 में 16 गए 0. ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स अब हमको क्लियर हो गया है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगी तो मीन्स वो नंबर 4 से, वो पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल का सॉल्व करके देखा था, वैसे ही कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा. अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या फिर लास्ट की 2 डिजिट्स में 0 है तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8. अब हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, 8 की डिविजिबिलिटी देखेंगे. चलिए देखते हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट्स आर 0. कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब हो सकता है, जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स या तो 8 से डिवाइड हो जाए, ओके, और या तो उसमें लास्ट में 0 हो, 3 0 हो, या तो 3 0 हो लास्ट में, या वो 3 लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए. जैसे कि देखिए लास्ट आपको एग्जांपल दिए हैं 36,152 and 7,26,000. आप देख सकते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे 152 है, ये 8 से डिवाइड हो सकता है, ओके, और यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, तो ये भी मतलब अगर यहाँ पर ऐसी दोनों कंडीशन आती है, या तो लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाए, या लास्ट में 0 3 0s हों, तो वो नंबर आपका 8 से डिवाइड हो सकता है. ओके, चलिए हम चेक कर लेते हैं. हमको लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करनी है. इसमें मतलब 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल होगी तो इट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल है. तो देखिए पहले मैं आपको 152 डिवाइड करके बता देती हूँ. 152 को हम 8 से करेंगे तो कितना होगा, 8 1s are 8. हमने 1 टाइम्स ही क्यों लिया है, क्योंकि 2 टाइम्स लेंगे तो 16 हो जाएगा, 15 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 1 टाइम लिया है. तो देखिए हमने माइनस किया तो कितना आंसर आएगा, 7. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7. ओके नाउ अब नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे 2. अब देखेंगे 8 की टेबल में 72 आता है 9 टाइम्स, 8 9s are 72. अब आप देख सकते हैं कम्प्लीटली डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल हैं. तो हम ये चीज़ और चेक करेंगे कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल हैं, क्या ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है. चलिए चेक करते हैं, 8 का टेबल रीड करेंगे. देखिए कितने टाइम्स करेंगे, 8 4s are 32. ओके, तो देखिए 6 में से 2 गए कितने बचे, 4, और यहाँ पे 3 में से 3 गए 0. ओके नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे 1. अब देखिए कितने टाइम्स होगा, 8 5s are 40. 8 5s are 40 होते हैं तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर 40. 1 में से 0 गया 1, यहाँ पर 0. नेक्स्ट हम नोट कर लेंगे 5, फिर से वही होगा, 8 1s are 8. यहाँ पर कितना बचेगा, 7. और नेक्स्ट हम नोट करेंगे 2, कितना हो जाएगा, 8 9s are 72. अब आप देख सकते हैं कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये 8 से डिविजिबल है. ये हमको क्लियर हो गया, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाएंगी, इट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा. देखिए लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड हो गई थी कम्प्लीटली 8 से, और देखिए पूरा नंबर भी, फिर हमने जो पूरा नंबर ले लिया तो वो भी नंबर डिवाइड हो गया पूरा 8 से. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम एक बार और देखते हैं डिविजिबिलिटी 4 by 4 and 8. हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, 4 और 8 की. पहले 4 की हम, मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ. 4 अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब हो सकता है, जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट्स या तो 4 से डिवाइड हो जाए, लास्ट की 2 डिजिट्स 0 हो, ओके, तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8. 8 कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब होगा, जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाएगी या तो लास्ट की 3 डिजिट्स 0 होंगी, तो
तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से. ओके नाउ अब हम देखेंगे, देखिए थर्ड है ये, थर्ड नंबर डिविजिबिलिटी बाय 3, 9 एंड 11. अब हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, 3 की, 9 की और 11 की. देखते हैं अ नंबर, सॉरी, इफ द डिवाइजर इज 3, 9 एंड 11 देन वी ऐड द डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड. अगर किसी भी नंबर में अगर हमको कोई डिवाइजर दिया हुआ है 3, 9 या 11, अगर हम 3, 9 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, अगर हमको ये डिवाइजर दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड की डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं. क्या करते हैं, डिविडेंड की डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं. चलिए चेक करते हैं हम कैसे करेंगे. डिविजिबिलिटी बाय 3, पहले हम किसकी देखेंगे, डिविजिबिलिटी 3 की देखेंगे. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब हो सकता है, जब उन डिजिट्स का सम कितना हो, उतना हो जो कि 3 से डिवाइड हो जाए. जब हम उसकी जितनी भी डिजिट्स होंगी उसको हम आपस में प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, अगर प्लस करने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल है. ओके चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. 633 इज डिविजिबल बाय 3 सिंस, देखिए 633 3 से डिविजिबल है, तो फिर क्या करेंगे हम इसको चेक करने के लिए, क्या करेंगे, 6 में 3 को ऐड करेंगे, फिर 3 को देखिए 3 डिजिट्स हैं, तीनों को हमने आपस में ऐड कर लिया, 12 होता है, तो देखिए 3 4 12 होता है, इट मीन्स कम्प्लीटली डिविजिबल है. चलिए मैं आपको एक बार करके भी बताती हूँ. देखिए हमको नंबर दिया हुआ है 633. ओके तो अभी हमने ये रूल सीखा है कि इसमें हम क्या करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी पता करने के लिए ऐड करते हैं. देखिए 6 + 3 + 3 इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए 6 + 3 कितने हो गए, 9 एंड 9 + 3 12 हो गए. तो हम चेक कर लेंगे क्या ये नंबर 12 से डिवाइड हो सकता है. 3 3 4 = 12 होते हैं, तो इट मीन्स ये नंबर डिविजिबल है. इसको हम एक बार चेक भी कर लेंगे, 633 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि जो हम सीख रहे हैं ये वे सही है या फिर नहीं. देखेंगे 3 2 = 6, नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 3 3 1 = 3, नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 3 3 1 = 3. इट मीन्स अगर हम तीनों को जो भी हमारी डिजिट्स दी हुई हैं उसको हम आपस में ऐड करते हैं और इसका फिर हम डिवाइड करके देखते हैं 3 से, अगर वो डिवाइड कम्प्लीटली हो जाता है, इट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल है. ओके नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9. अब हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. चलिए देखते हैं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, कब डिविजिबल होगा, जब उसका अगर हम सम करेंगे तो वो जो सम आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स वो नंबर 9 से डिविजिबल है. ओके चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं. 3258 इज डिविजिबल बाय 9 सिंस 3 + 2 + 5 + 8 = 18. अब देखिए इन सब सारी जो इतनी डिजिट्स दी हुई हैं इनको ऐड कर लिया है. चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास डिजिट दी हुई है. ओके तो हम क्या करेंगे, इसको पहले आपस में ऐड कर लेंगे 3 + 2 + 5 + 8. चेक करते हैं 3 + 2 कितने होते हैं, 5. 5 और 5 = 10, 10 और 8 = 18. इसको हम चेक करेंगे क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा. देखते हैं 9 1 = 9 9 2 = 18, इट मीन्स ये डिवाइड हो गया है. तो ये डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है. ओके एक बार चेक भी कर लेते हैं. चलिए 3258 को हम चेक करेंगे कि ये 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं. चलिए देखते हैं 9 1 = 9 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36. 36 इससे बड़ा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स लेंगे, 9 3 = 27. ओके तो देखिए
ट्वेल्व में से टू में से सेवन जा नहीं सकते, तो ट्वेल्व में से सेवन गए तो कितने बचे, फाइव, यहाँ पर हम लिख देंगे फाइव, और यहाँ पर कितना बचा, टू में से टू, ज़ीरो। नेक्स्ट इज फिर हम नोट कर लेंगे फाइव, अब देखिए अब कितने टाइम्स होगा, नाइन वन ज़ार नाइन, नाइन टू ज़ार एटीन, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर ज़ार थर्टी सिक्स, नाइन फाइव ज़ार फोर्टी फाइव, नाइन सिक्स ज़ार फिफ्टी फोर। ओके अब देखिए फाइव में से फोर गया वन, फाइव में से फाइव गया ज़ीरो। नेक्स्ट नोट करेंगे एट, फिर से हम रीड करेंगे नाइन वन ज़ार नाइन, नाइन टू ज़ार एटीन, इट मीन्स ये डिवाइड हो गया। अभी हमको क्लियर हो गया है कि देखिए अगर हम इन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं तो जो उसका सम आता है अगर वो नाइन से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स वो पूरा डिजिट नाइन से डिवाइड हो सकता है, नाइन से डिविजिबल है। ओके नाउ नेक्स्ट इज अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय इलेवन। अब हम इलेवन के डिविजिबिलिटी देखेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय इलेवन इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट द इवन प्लेस इज आइदर ज़ीरो और इज डिविजिबल बाय इलेवन। कोई भी नंबर इलेवन से डिविजिबल है, लेकिन कब होगा डिविजिबल, अगर उसके जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम है, सम जो हम ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस हैं उनका हम अलग अलग सम निकालेंगे, और जो सम निकालने के बाद में अलग अलग जो उनका डिफरेंस आएगा वो अगर वो ज़ीरो है या फिर इलेवन से डिविजिबल है, इट मींस वो नंबर इलेवन से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको हम एग्जांपल की वजह से समझते हैं, आपको ऐसे क्लियर नहीं, आपको प्रॉपरली से क्लियर नहीं हो पाएगा, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या है हमारा, 25,916। चलिए देखते हैं 25,916 यही हमको नंबर दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो देखिए हम इसका, हमें बोला गया था सम देखना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ओके ऑड प्लेसेस का सम देखना है, ऑड प्लेसेस देखिए आपको क्या कैसे समझ में आया कौन सी ऑड प्लेसेस है, देखिए हम यहाँ पर नंबर लिख लेंगे ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव। ओके तो इसमें ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, ये देखिए ऑड प्लेसेस क्या हो गई, वन वाली डिजिट, थ्री वाली और फाइव वाली, तो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे पहले ऑड डिजिट्स को, क्या है टू प्लस नाइन प्लस सिक्स, ऑड प्लेसेस को हमने ऐड कर लेंगे, कितना आंसर आएगा ऑड प्लेसेस को ऐड करके, नाइन प्लस टू कितने होते हैं इलेवन, इलेवन प्लस सिक्स सेवनटीन, यहाँ पर लिख देंगे सेवनटीन। ओके अब हम निकाल लेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस का सब निकाल लेंगे, इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं, देखिए टू एंड फोर, टू और फोर इवन प्लेस है, तो हम देखिए फाइव और वन को ऐड कर लेंगे, फाइव प्लस वन, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया सिक्स हो गया। अब इसका हम डिफरेंस देखेंगे, सेवनटीन सेवनटीन निकला था इसका, इसका सिक्स निकला, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे कितना हो गया इलेवन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर कब डिविजिबल हो सकता है, जब हम ये करेंगे पहले तो इसका सम निकाल लेंगे ऑड प्लेसेस का, इवन प्लेसेस का, इसका डिफरेंस निकालेंगे, अगर इसका डिफरेंस इलेवन या तो इलेवन से डिविजिबल हो या फिर ज़ीरो, तो देखिए इलेवन आ रहा है, इट मीन्स इलेवन तो इलेवन से डिविजिबल होता ही है, तो इट मीन्स हमारा ये नंबर इलेवन से, हमारा जो ये नंबर दिया हुआ है ये नंबर इलेवन से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अभी हमने नाइन और इलेवन की डिविजिबिलिटी देखी थी, नाइन की डिविजिबिलिटी में थ्री की भी देखी थी, थ्री नाइन एंड इलेवन। थ्री की डिविजिबिलिटी में क्या था, अगर हम जितनी भी हमारे पास डिजिट्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, उनका जो सम आएगा अगर वो थ्री से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। ओके एंड नाइन की डिविजिबिलिटी में क्या था, कोई भी नंबर नाइन से कब डिविजिबल हो सकता है, जब उसका सम नाइन से डिवाइड हो जाए, जो भी हम उसका सम निकालेंगे आपस में जो डिजिट्स हैं उसको ऐड करेंगे, तो अगर उसका जो सम आएगा वो नाइन से डिवाइड हो जाएगा, इट मींस वो नाइन से डिविजिबल है। और इलेवन में डिविजिबिलिटी में क्या है, इलेवन की डिविजिबिलिटी में है हमारे पास जो डिविडेंड दिया होगा, जो हमारे पास डिविडेंड होगा उसमें हम क्या करेंगे, उस डिविडेंड में पहले हम
ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे, फिर इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे, फिर जो ऐड करने के बाद उनका जो आपस में डिफरेंस आएगा, डिफरेंस अगर जीरो हो या फिर 11 से डिविजिबल हो, अगर वो ऐसा होता है इट मींस वो नंबर 11 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय 6 एंड 12। अब हम किसकी देखेंगे डिविजिबिलिटी, 6 की एंड 12 की। चलिए देखते हैं, इफ द डिवाइजर इज 6 और 12, अगर डिवाइजर हमारा 6 और 12 है, देन वी चेक द डिविजिबिलिटी बाय देयर फैक्टर्स। तो हम इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसके फैक्टर्स के थ्रू करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6, पहले हम 6 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो पाएगा, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ओके चलिए देख लेते हैं एग्जांपल, 4284 डिजिट एट वंस प्लेस। इसमें देखिए, हम इसमें चेक करेंगे वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट है, 4 है। इसमें हम 2 और 3 के चेक करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी, अभी मैंने आपको बताया कि 6 की हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 6 तभी होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। ओके तभी हमने 2 में क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तब होगा जब उसकी लास्ट प्लेस डिजिट इवन होगी। वंस प्लेस डिजिट देखेंगे, इसमें वंस प्लेस डिजिट देखिए 4 है, तो 4 तो उसमें आता है, 0, 2, 4, 6, 8 होता है ना इवन नंबर्स में लास्ट में, तो इट मीन्स ये नंबर 4 आ रहा है इसमें, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। अब चलिए हम 3 की चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी, इसी नंबर में हम देखिए आपस में ये नंबर्स चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, अगर हमारे जो डिविडेंड है उसका हम सम करेंगे, उसके डिजिट्स को का सम करेंगे, अगर वो सम 3 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स वो पूरी डिजिट 3 से डिविजिबल है, पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 4284, इसको देखिए हमने ऐड किया, 4 + 2 = 6, 6 + 8 = 14, 14 + 8 = 18। अब देखिए 3 की टेबल में 18 आता है, यस 3 6 = 18, तो इट मींस ये भी मतलब ये नंबर क्या है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, अगर ये नंबर दोनों से डिविजिबल है इट मींस 6 से भी डिविजिबल है। ओके नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 12, अब हम किसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे, 12 की देखेंगे। चलिए देखते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। कोई भी नंबर 12 से कब डिवाइड होगा, जब वो 3 और 4 दोनों से होगा, तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ओके 3 की डिविजिबिलिटी अभी हमने बताया था आपको, उसका जो उसकी डिजिट्स होती हैं उसको हम ऐड करते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड हो सकता है इट मींस वो 3 से वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखिए हमने इसमें चेक किया, इसको हमने आपस में ऐड किया, तो क्या है 15, 3 5 = 15 होते हैं, इट मींस ये डिविजिबल है। अब देखिए 4 की चेक करेंगे, 4 के में हमने आपको बताया था अगर लास्ट की 2 डिजिट्स या तो 0 हो या तो लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो सके, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। ओके इसकी हम इसी तरीके से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं, अभी हमको दिया हुआ था देखिए इनको तो हमने कर लिया, 15 आ गया था, 15 3 से डिवाइड हो सकता है, इट मींस ये कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है। अब देखिए हम 4 की भी चेक कर लेंगे इसी तरीके से, 4 के में 2 डिजिट्स देखेंगे लास्ट की, 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं, 28 का 2 की टेबल में 4 की टेबल में 28 आता है, 7 टाइम्स आता है, 4 7 = 28। ओके तो इट मींस ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो सकता है, अगर ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो सकता है इट मींस ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है। ओके इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे। चलिए एक बार और देखते हैं, 6 और 12 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 6 कब कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है इट मींस वो 6 से भी डिविजिबल है। ओके तो ये तो हो गई 6 की डिविजिबिलिटी, और 12 की क्या होगी, अगर कोई भी नंबर 3 और 4 से डिवाइड होगा तभी वो 12 से भी होगा। ओके
तो इस तरीके से हम इन दोनों की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, डिविजिबिलिटी बाय सेवन। अब हम सेवन की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इफ द डिवाइजर इज सेवन, वी परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द डिजिट्स ऑफ द डिविडेंड। इफ द डिफरेंस ऑफ द twice of the digit at its once place and the number formed by the remaining digits is either zero or a multiple of seven. सेवन की डिविजिबिलिटी को हम पता करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉलो करेंगे। उसको करके हमें पता चलेगा कि वो हम किस में फॉलो करेंगे, डिविडेंड में। अगर वो फॉलो करने के बाद अगर वो जीरो या फिर मल्टीपल ऑफ सेवन हो, इट मींस वो नंबर सेवन से डिविजिबल है। चलिए हम देख लेते हैं, हम इसका एग्जांपल देखेंगे अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो देखिए हमारे पास नंबर दिया हुआ है 10,164। एग्जांपल में नंबर दिया हुआ है, इसको देखिए हमने किस वे में सॉल्व किया है। हमने जो हमारी जो डिजिट्स हैं स्टार्टिंग की वो डिजिट लिखी है, ओनली हमने जो वंस प्लेस डिजिट है उसको हमने डबल किया है। आप देख सकते हैं वंस प्लेस डिजिट को हमने किया डबल किया है, वो भी माइनस करके डबल किया है। हमने देखी स्टार्टिंग की डिजिट्स लिख ली है, 1016 लिखा है, उसमें से जो हमारी लास्ट डिजिट है उसको हमने माइनस किया ट्वाइस करके, डबल करके। तो देखिए हमने 4×2 किया है, अब देखिए इसका आंसर कितना आया, 1016, और माइनस इसको किया 4×2 कितने होते हैं, 4×2 = 8, माइनस करके 8 लिखा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1008। अब देखिए हमने क्या किया, सेम इसका यही प्रोसेस दोबारा से किया, हमने 100 लिख लिया, लास्ट प्लेस डिजिट को लीव कर दिया, उसको हमने माइनस करके ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे। ओके, तो हमने कैसे किया, यहाँ से 100 लिखा, फिर माइनस करके 8 दिया हुआ था, 8 में मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो ये कितना हो गया 16। तो 100 माइनस 16 कितने होते हैं, 84। तो देखिए 84 इज डिविजिबल बाय 7। 84 7 से डिविजिबल हो सकता है ना, कितना टाइम्स होगा, 12 टाइम्स होगा, कितना टाइम्स होगा, 12 टाइम्स। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर है 7 से डिविजिबल है। चलिए इसको एक बार और देखते हैं, ये किस तरीके से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर है उसमें से हम क्या करेंगे, हम लास्ट प्लेस डिजिट को छोड़कर बाकी हम हमारी जितनी वैल्यू है उतनी लिख लेंगे, फिर लास्ट प्लेस डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करके उस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर इनको सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें हमने किया 4×2 = 8 होते हैं। ओके, तो देखिए 1016 लिखा, माइनस 8 किया, तो कितना आ गया, 1008। फिर हमने इस प्रोसेस को फिर से वैसे ही किया, 1008 है, तो इसमें से क्या किया, 100 लिख लिया, 100 लिखने के बाद हमने क्या किया, माइनस लगाया, और फिर जो हमारी लास्ट वैल्यू है उसको लिख के मल्टीप्लाई बाय 2 किया। ठीक है, फिर ये करने के बाद हमने क्या किया, 100 लिखा, फिर माइनस करके 8×2 = 16, इसमें से 100 में से 16 माइनस किया, 84। फिर क्या है, 84 7 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आज हमने डिविजिबिलिटी सीखी है, 2 से लेकर 12 तक हमने आज डिविजिबिलिटी सीखी है। ओके, आपको भी ये डिविजिबिलिटी अच्छे से लर्न करनी, अच्छे से पढ़नी है, पहले तो अच्छे से रीड करनी है, उसके बाद इसको रूल्स को अच्छे से फॉलो भी करना है। ओके, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क भी है, एक्सरसाइज 3B एंड एक्सरसाइज 3C, आपको जो ये अभी मैंने रूल्स बताए हैं ये इसी रूल्स से ही सॉल्व होनी है। ओके, तो आप इस वे में आप प्रॉपरली कर सकते हैं, आपको करना है एक्सरसाइज 3B एंड एक्सरसाइज 3C। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।